सफर तय करके मद्रास से लकड़ी आना। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। 8 गोलियां लगी हैं। किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। ब्रेकिंग न्यूज, जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। पुष्पा, पुलिस को गोडाउन के बारे में सब पता चल गया। रोल पुष्पा का।